इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ द इरिगेशन. तो मॉडर्न मेथड्स क्या क्या हैं हमारे इरिगेशन के, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम. सो दिस सिस्टम इट इज यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. तो इसको कहाँ यूज किया जाता है कि जहां पे हमारा जो लैंड है वो अनइवन होता है, उबड़ खाबड़ टाइप्स. सो और वहां पे जहाँ पे वाटर जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता. द परपेंडिकुलर पाइप्स having the rotating nozzles on the top, they are joined to the main pipeline at regular intervals. तो यहाँ पे कुछ perpendicular pipes होते हैं जिनके ऊपर top पे nozzle लगी होती है, उसको main pipeline से join किया जाता है. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. तो आपका जो पानी main pipeline से आता है, फिर वो आते आते इस नोजल के थ्रू आपकी जो फील्ड है वहां पे जाके स्प्रिंकल हो जाता है. बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि वहां पे बारिश हो रही हो. दिस स्प्रिंकलर इट इज वेरी यूजफुल फॉर दी सैंडी सॉइल. तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से मेन पाइप से अलग अलग परपेंडिकुलर पाइप निकल रहे हैं और पानी जो है इस तरीके से ये स्प्रिंकल होता है. तो एक टाइम पे आप बहुत सारी फील्ड को वॉटर दे सकते हैं. नेक्स्ट इज दी ड्रिप सिस्टम. इसमें क्या होता है, यहाँ पे वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम. तो जो वॉटर है वो क्या करता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ रूट्स में ही जाता है. तो एक एक ड्रॉप करके ये रूट्स में जा रहा है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं. एंड इट इज यूज फॉर दी वॉटरिंग ऑफ द फ्रूट प्लांट्स, फॉर गार्डन्स एंड फॉर द ट्रीज. सो द सिस्टम प्रोवाइड्स वॉटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी जो फील्ड है उसको वहां पे पानी मिलता रहता है. सो यहाँ पे वाटर जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर एक एक ड्रॉप करके मिल रहा है. एंड इट इज अ बून इन रीजंस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. तो जिन जगह पे पानी की कमी होती है वहां पे एज अ बून काम करता है, मतलब इसका काफी ज्यादा यूज है. सो ये हमारे मॉडर्न मेथड्स थे. थैंक यू.